सांसद है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार के अंदर, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो मार्क उठाई हुई उनके दिए के माध्यम से, उसको बहुत ही निंदनीय घोर अपराध है। वो भी महिला के ऊपर, इसलिए उन्होंने अपने प्रमुख सचिव को भी अपने ऑफिस में बुलाकर उसको मारा था, उसके कपड़े भी उतारे थे। वहाँ से लोगों से वोट की अपील करते हैं, कैसे बहनों के पास जाएंगे? जब इनकी खुद की महिला सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक की क्या उम्मीद कर सकते हैं? और चंडीगढ़ के अंदर आप और कांग्रेस का गठबंधन है, आप देखिए चंडीगढ़ के अंदर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष वो सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बोला कि हम सुरक्षित नहीं है, एक महीने के बीच में मैं ऑफिस नहीं गई क्योंकि वहाँ खड़ा बना हुआ है, महिलाओं के खिलाफ शोषण हो रहा महिलाओं का। तो जब उन्होंने अपने मुंह खोला तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, वो 6 साल के लिए निष्कासित की गई। जब उनके मातृशक्ति महिला मोर्चा अध्यक्ष कांग्रेस की वो सुरक्षित नहीं है तो चंडीगढ़ में आम महिलाओं के तो क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं? स्वाति मालीवाल के जो केस में महिला आयोग ने क्या अभी तक एक्शन लिया है? महिला आयोग इसमें हस्तक्षेप करेगा? जब जिस सरकार के अंदर वो है, केजरीवाल की सरकार है जो अभी बेल पर बाहर है, वो महिला सुरक्षित नहीं है तो कोई भी देश में उनकी सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। जिस दिन केजरीवाल चंडीगढ़ में आएगा उस दिन हमें मुँह तोड़ जवाब देगा चंडीगढ़ महिला मोर्चा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बहनों की इतनी इज्जत करते, मातृशक्ति के लिए हमेशा उनका प्रणाम होता है, और केजरीवाल की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में महिलाओं का घोर अपमान है, जिसका कि हमें कहते हुए भी शर्म आ रही है। उस महिला के लिए कितना इन्होंने कितनी मारपिटाई उसकी करी है और अभी तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। यदि बीजेपी के अंदर किसी बहन के साथ थोड़ी ऊंची आवाज़ में भी कोई भाई बात करता है तो ये रोडों पर आते हैं। आज उस महिला के खिलाफ ये रोड पे तो क्या एक शब्द केजरीवाल ने नहीं बोला कि उस पीए के खिलाफ क्या एक्शन लगे। और जब ये प्रमुख सचिव को मार सकते हैं तो और तो जनता तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। मैडम, चंडीगढ़ महिला जो भाजपा महिला मोर्चा है, इसकी तरफ से क्या महिला आयोग को लिखित में दिया गया एप्लीकेशन? बिल्कुल, अभी हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। हम ब्रिटेन में अपने हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है उनसे आग्रह करेंगे, यहाँ के जो हमारे गवर्नर है उनसे भी, हम उनके माध्यम से भी हम आग्रह करेंगे कि उस महिला को न्याय मिलना चाहिए, केजरीवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और जो आज चंडीगढ़ के अंदर इन्होंने एक महागठबंधन किया है, मैं चंडीगढ़ की पब्लिक से भी आह्वान करती हूँ कि आने वाले समय में इनको इसका मुंह तोड़ जवाब दे। एक साफ सुथरी सरकार यहाँ पर आए और एक अच्छा नेतृत्व संजय टंडन के माध्यम से हम यहाँ अपना सांसद चुने और इनको मुंह तोड़ जवाब दे। अपना आज मैं कुछ और भी कहना चाहती हूँ आपके माध्यम, आपके मीडिया के माध्यम से। मनीष जी आज चंडीगढ़ में आए हैं, पहले उन्होंने लुधियाना में 5 साल कहीं शक्ल नहीं दिखाई, उसके बाद वो आनंदोसा में वहाँ कहीं शक्ल नहीं दिखाई, आज उनको चंडीगढ़ याद आया। जब उनकी महिला अध्यक्ष यहाँ सुरक्षित नहीं है तो वो किस मुँह से लोगों से वोट की अपील करेंगे? मैं सारी मातृशक्ति से आह्वान करती हूँ, जब भी वो आपके कांग्रेस के महागठबंधन, चाहे वो आप वाला है चाहे वो कांग्रेस वाला है, आपके दरवाजे पर आए उनको सीधे उल्टे मुँह वापस भेजें। ये मेरी चंडीगढ़ की जनता से अनुरोध है।